और जाकिबर नगर तहसील में आने वाले गांव पीर झलार में निवास करने वाले ग्रामीण और स्थानीय रहवासी बेहद परेशान हैं और इसकी परेशानी की वजह है गांव की मुख्य सड़क का रहवासी क्षेत्र में ही सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है और परेशानी यह है कि बारिश का और सड़क अब बनी नहीं है, जहां पर सड़क तालाब जैसी नजर आ रही है और मुख्य सड़क पर अब आने जाने के दौरान महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान है क्योंकि बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था नाली नहीं बनाई गई है ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने और नहीं लिया है कोई भी संज्ञान। जिम्मेदार प्रतिनिधि और साथ ही में अधिकारियों ने, जिसके परिणाम यह रहे कि मुख्य सड़क अब तालाब बन गई है और आने जाने के दौरान लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण जनों ने CM हेल्पलाइन सहित प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत, समस्या, परेशानी बताई पर उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब लोग परेशान हो रहे हैं मुख्य सड़क पर आने जाने के दौरान तालाब बन जाने की वजह से। ये कौन सा गांव है और ये कौन सा रोड है, कहाँ जाता है, क्या है? अच्छा, और बिल्कुल ही समाधान नहीं हो रहा है। पहले भी हमने पूरे गांव वाले ने एक इकट्ठे चंदा करके 1,000 रुपये मिला के हमने स्टेशन पर रोड बनाया आने जाने के लिए। यहाँ सरपंच कोई गांव का ध्यान नहीं देता है, इस वजह से हम पूरे गांव वाले बड़े परेशान हैं। देखो ये समस्या हमारी, इधर ही पानी ढेर सारा जमा हुआ है, बच्चे बच्चे अभी कैसे क्या जाएंगे यहाँ पे, और ये खुद भी आप लोगों को देख सकते हैं इस चीज़ को। हमारे गांव के लोग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करते कर पाते हैं, इसलिए कोई कुरान दिन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ये गांव की सारी समस्या खड़ी है। अच्छा, अभी पानी भरा हुआ रहता है ना लोगों को, पानी सारा। आपने आपने शिकायत कहाँ कहाँ कर दी? हेल्पलाइन पर भी की करी है, जिसके बाद ग्राम पंचायत में भी दे रखा है, लेकिन नाली की सफाई ना होती है। वो तो आते हैं और वो हमको आश्वासन दे जाते हैं, डंपर आता है, सारे कीचड़ का समाधान हो नहीं पाता है, नालियाँ खुद साफ करते हैं और कुछ आते हैं नाली साफ करने के लिए, दो पावड़े मार के वो फोटो वोटो खिंचवा के वो अपने घर चले। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।